Audio Jungle. Assalamualaikum, Cooking Craze with Nahid के साथ. नाहिद आपके साथ है और आज हमारे बेकिंग स्पेशल में क्या बन रहा है. आज हमने बनाया है ज़बरदस्त वनीला कपकेक और मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया है कि हमने सिंपल से वनीला कपकेक्स को किस तरह डिफरेंट फ्रोस्टिंग कर सकते हैं. तो आ जाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वनीला कपकेक के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है हाफ कप प्लस 1/4 कप. यहाँ पे मैंने दानेदार चीनी लिया है 5 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून और यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है जस्ट 1 टीस्पून. अंडे मैंने 2 यूज़ किए हैं. दूध मेरे पास 2 टेबल स्पून है और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल कुकिंग ऑयल है 1/4 कप. दो अंडों को थोड़ी देर बीट करेंगे. ये देखिए थोड़ा सा अंडा अगर फ्लफी हो जाए तो हमने इसमें चीनी ऐड करना है और इसे मज़ीद 3-4 मिनट हमें अच्छी तरह बीट करना है. देखिए मैंने चीनी को कंप्लीट अभी बीट नहीं किया, मुझे इसमें ऑयल भी ऐड कर देना है और अब मैं इन तीनों को इतनी देर बीट करूँगी कि तीनों चीज़ें कम्प्लीटली यकजान यानी कि मिक्स हो जाए. मैंने इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया था और अब मैं इसमें जस्ट 1/2 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस ऐड करूंगी और इसके बाद मैं एक बार जस्ट बीटर को चलाऊंगी. ये देखें अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि बेकिंग पाउडर और मैदे को मैंने छान लिया था और अब मैं इसमें ऐड करके फोल्ड करूंगी. ये देखें इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और इसी ड्यूरिंग फोल्डिंग आपने मिल्क भी ऐड कर देना है. ठीक है मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ. ये हमारा बैटर कंप्लीट है, मिक्स कर लिया है. अब मैं इसे कपकेक लाइनर में शिफ्ट करूँगी. ये देखें थोड़ा सा लाइट सा कुकिंग ऑयल लेकर आपको कपकेक मोल्ड को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है. अब मैं ये कपकेक लाइनर सब में लगा दूँगी. अब कपकेक बैटर को हमें 1 by 1 हर कपकेक लाइनर में शिफ्ट करना है और इसे 1/3 हमें फिल करना है. मैंने सारे कपकेक लाइनर को फिल कर दिया है. मैंने टोटल 11 कपकेक्स बने हैं, एक कम है और ये अब मैं 180 सेंटीग्रेड में 20 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं, ये बेक हो जाएगा. ठीक है और मुझे बहुत डोम वाले कपकेक नहीं बनाना, सिंपल बनाना है क्योंकि मैं इनको डेकोर भी करूँगी डिफरेंट तरह. बात और भी बता दूँ, ये जो पार्चमेंट पेपर है या जो भी मैंने कपकेक लाइनर यूज़ किया है ये मैंने बहुत ही नॉर्मल और लोकल क्वालिटी का यूज़ किया है. ये बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के भी आते हैं, आप जिस तरह अफोर्ड कर सके. मैं हमेशा अपने बेकिंग में वो चीज़ें बनाती हूँ जो मेरी तमाम सिस्टर्स के लिए अफोर्डेबल है. राइट हमारा माशाल्लाह से वनीला कपकेक्स बिल्कुल बेक हो गए, मुझे सिर्फ आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स लगे. और अब मैं क्या ब्रश कर रही हूँ, गरम गरम में इसमें नॉर्मल शुगर सिरप जो कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाटर में मैंने शुगर सिरप बनाया है उससे मैं कपकेक्स को ब्रश कर दे रही हूँ. इससे ये बहुत देर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहते हैं. मैंने सारे कपकेक्स को कूलिंग रैक पे शिफ्ट कर दिया है. अब मैं इसके ठंडे होने का वेट करूँगी फिर इसे फ्रोस्टिंग करूँगी जिस तरह चाहूँ मैं. आप ऐसे भी इसको इंजॉय कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को वनीला कपकेक की डेकोरेशन की थोड़ी सी डिफरेंट स्टेप्स कर लेते हैं हम इसमें. सबसे पहले ये मैंने एक कप बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है ये और ये मेरे पास थोड़े से चॉकलेट गनाश है. ठीक है सबसे पहले मैं कपकेक अपने कपकेक को चॉकलेट गनाश में अच्छी तरीके से वो करूँगी, डिप करूँगी और ताकि इसके पूरे ऊपर लेयर में चॉकलेट गनाश आ जाए. ये देखें ये स्पून से, ये मेरा थोड़ा सा थिक गनाश था इसलिए मैं स्पून से, ये थिक गनाश था मेरा. ठीक है मैं आपको दो तरह के गनाश से इसकी फ्रोस्टिंग बताऊंगी. ये थिक गनाश था. अब मैं ये मेरे पास बंटीज है ये मैं 1 by 1 इसके साथ हर तरफ डिफरेंट कलर में लगा दूंगी इस तरह. ये देखिए हमारा एक कप केक बन गया है, ये हम जगह पे रख देते हैं. अब हम सेकेंड पे काम शुरू करेंगे. ये देखें अब ये जो मेरे पास चॉकलेट गनाश है ये मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा रनी, वो जो था वो बिल्कुल
थोड़ा सा हार्ड था, ये बिल्कुल रनी गनाश है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अभी इस गनाश को भी आप इसमें कप सिंपली स्पून से, किसी किस्म की हमें आपको नोज़ल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने हर तरफ फैलाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइड्स को आपने रहने दिया, अच्छा सा लुक आ जाता है। ये देखिए मैंने पूरा कवर नहीं किया वरना मैं इसे डिप ही कर देती। ये देखें हमारा सेकंड कप केक भी बिल्कुल रेडी है, मैंने अच्छा सा गार्निशिंग कर दिया और इसे भी मैं इसके साथ रख देती हूँ। ठीक है, अब एक और पे हम काम शुरू करते हैं। ये देखें इस पे ये मेरे पास थोड़ी सी कैंडी है, कैंडीज़ को मैंने नॉर्मल जो खट्टी मीठी टॉफ़ी आती है ना डिफरेंट तरह की, उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया और इसके ऊपर लगा दिया, और जब ये फिक्स हो जाएगा ना, थोड़ा सा जम जाएगा तो इतना टेस्टी लगता है। ये भी हमारा रेडी हो गया। देखें अब मैं एक कपकेक को जो है फेरी कपकेक लुक दे रही हूँ और इसकी बिल्कुल अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। ये नॉर्मल शुगर आइसिंग है, हार्ड आइसिंग भी आप इसको कह सकते हैं। इससे आप अच्छी तरीके से अपने कपकेक को कवर करें। पहले अब ये देखो इस पे थोड़ा सा, आप देखें इस पे हमने थोड़ा सा वर्मीचिली स्प्रिंकल्स ऐड कर दिया, और ये जब जम जाएगा तो और बहुत प्यारा सा लुक आएगा। ठीक है, ये हमारा ये कपकेक भी रेडी हो गया। अब हम इसी तरह डिफरेंट फ्रोस्टिंग से तमाम कपकेक को आपको रेडी करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त वनीला कपकेक्स बिल्कुल बनकर तैयार है और विद डिफरेंट फ्रोस्टिंग के साथ है। माशाल्लाह ये देखें मैंने हर तरह की फ्रोस्टिंग की है इसमें, विप क्रीम से, चॉकलेट गनाश से, इसके अलावा हार्ड आइसिंग से। ये सारी फ्रोस्टिंग मैंने इस वीडियो में भी आपको समझाया है और इंशाल्लाह कुछ जो पेंडिंग है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने प्यार का जो है वो इजहार यही है कि आप मुझे कमेंट करें, फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।